हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल गुड़िया मल्टी ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो ना तो आपने कभी सुनी होगी और ना तो कभी खाई होगी। और दिखने में तो आप देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर ये रेसिपी आपको बनाने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। मैंने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा, उसमें ले लूँगी मैं एक चम्मच ऑयल, एक डेढ़ चम्मच ऑयल डाल लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ना डालें, थोड़ा कम ही डालें क्योंकि आगे प्रोसेस में हमको नमक डालना ही है। हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, आप डालें तो ठीक, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कलर ना चेंज करें। तो बस इन सबको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको आटे को गूंथ लेना है। रोटी का आटा थोड़ा सॉफ्ट रहता है, लेकिन हमको उसको पूड़ी की तरह गूंथ लेना है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से गूंथ लेना है, मसल मसल के इसको चिकना कर लेना है। तो जब हम बेलेंगे तो अच्छे से चिकनी रोटी बनेगी। और 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। अब 10 मिनट हो गए, देखिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। इसको एक बार पाटे पे अच्छे से चिकना कर लेना है और इसमें से अपने एक थोड़ी बड़ी सी लोई काट लेना है। बस लोई को आटे पे ऐसे रख के रोटी की तरह नॉर्मल जैसे रोटी बेलते हैं, बस उस तरीके से हमको बेल लेना है। तो रोटी थोड़ी पतली रहती है, इसकी जो रोटी है उसको ना तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ज़्यादा पतला, इस तरीके से आपको रखना है। ज़्यादा पतला रखेंगे तो खाने में जो हम शेप देंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरीके की आप गिलास या कटोरी ढक्कन जैसा भी आप उस तरीके से इस तरीके से शेप ले लेना है गोल। तो मैंने सारे गोल गिलास से काट लिए हैं। तो देखिए बस मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से शेप बनाना है। एक गोल पूड़ी को पकड़ के इस तरीके से बीच से दबा देना है और इस तरीके आप एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो आपसे बन जाएगी। और मैं आपको कई तरीके के शेप बनाना बताऊँगी, आपको जैसा शेप ईजी लगे आप बना सकते हैं। सारे शेप बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप देखिए ये रहा दूसरा शेप, तो आपको जैसा से लगे आप बनाइए। और आप मेरे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कि वीडियो आपके काम की थी ही नहीं। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक तो कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ये देखिए तीसरा सेप, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो को स्किप कर देंगे तो एक आध सेप बनाना समझ में नहीं आएगा। बस इस तरीके से हमको कस के दबा देना है। अगर हम अच्छे से नहीं दबाएंगे तो जब इनको हम बॉईल करेंगे तो इनके जो हमने शेप को दबाया है वो मुंह उनका खुल जाएगा। तो देखिए ये मैंने दो तीन चार तरीके के शेप आपको बता दिए हैं। तो एक एक शेप में आपको बिल्कुल सिंपल सा आपको बताने वाली हूँ। एक पूड़ी बेलिए, रोटी इस तरीके से बेल लीजिए और चाकू से लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लीजिए और इस तरीके से जैसे नॉर्मल हम मटरी बनाते हैं ना, बस उस तरीके से काट लीजिए। तो बस इस तरीके से इसको पकड़ना है और बीच से अच्छे से प्रेस कर देना है। ये देखिए ये वो का स्टाइल हो गया, जैसे वो बच्चे जो बड़े लोग कोट पहनते हैं उसमें जो वो लगा रहता है, बस उसी की डिज़ाइन की है ये। तो आपको जो शेप अच्छा लगे आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सारे शेप को बना के रेडी कर लिया है, इसमें आपको सारे शेप दिख जाएंगे। ये देखिए ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, मैंने चार तरीके के शेप बनाए हुए हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। मैंने कढ़ाई में रख दिया है गरम पानी, पानी में थोड़ा बॉयल आने देते हैं और इसमें डाल दूंगी मैं एक चम्मच ऑयल, जिससे जब हम इनको बॉयल के लिए डालेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं, क्योंकि आटे के आटा बहुत जल्दी कढ़ाई में चिपक जाता है। धीरे धीरे एक एक करके इनको डाल देंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से मैंने सारे डाल दिए और ढक देंगे। 10 या 15 मिनट में अच्छे से उबल जाते हैं, आप बीच बीच में चेक करते रहिए। देखिए सारे शेप हमारे ऊपर
और पानी के ऊपर तैरने लगे हैं, यानी ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं। तो बस इसको 2-4 मिनट के लिए और अच्छे से बॉयल होने देंगे। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, ये अच्छे से बॉयल हो गए हैं और मैंने उनको निकाल लिया, ठंडा कर लिया। ये देखिए गाजर, लहसुन अदरक और जो सब्जियां आपके पास अवेलेबल हैं आप वो ले सकते हैं। ये कॉर्नफ्लोर, 2 बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। तो मैंने कढ़ाई में रख दिया है ऑयल, ऑयल को होने देते हैं गरम। ऑयल हमारा गरम हो गया है तो सबसे पहले डाल देंगे इसमें लहसुन अदरक। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा इसका जो फ्लेवर है वो हमारे ऑयल में आ जाएगा। इसमें डाल देंगे 1 बड़ी प्याज, 1 या 2 जैसा आप खाना चाहें वैसे। इसको भी थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर। टमाटर भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं तो नहीं डालें, पर टेस्ट अच्छा आता है। और ये रही गाजर, आप कोई सी भी सब्जी ले सकते हैं, कोई सी भी, सिर्फ बैंगन गिलकी वगैरह ये सब छोड़ के आप कोई सी भी सब्जी ले सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक की वजह से क्या होगा कि सब्जियां अच्छे से गल जाएंगी। बस इसमें मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर, जिससे थोड़ा हल्का सा तीखापन अच्छा होएगा। ये रहा विनेगर, विनेगर को भी आप 1 चम्मच ले लें। ये रहा सोया सॉस, ये है चिली सॉस। अब मैं इसके बाद डाल दूंगी केचप। केचप को भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर थोड़ा मीठा चाहिए आपको तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बस सारे सॉसेस को मिक्स कर देना है इस तरीके से, थोड़ा सा हमको सारे सॉस को भून लेना है। को भूनने के बाद हमको इसमें डाल देना है कॉर्नफ्लोर, जो मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था वो डाल देंगे। तो बस इस तरीके से हमको ग्रेवी को गाढ़ा कर लेना है। ग्रेवी अगर ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से हमको मिक्स कर देना है। ये जो शेप हमने बनाए थे बस उसको डाल के इसको मिक्स कर देना है। 5 से 6 मिनट के लिए ग्रेवी में इसको छोड़ देना है, जिससे ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो सब हमारे शेप जो बनाए हमने आटे की वो ले लेंगे। तो बस हमारे आटे की रेसिपी बनके रेडी हो गई है। और आप देखिए, दिख रही है ना कितनी सुंदर, जितनी सुंदर दिख रही है खाने में भी उतनी टेस्टी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये जो रेसिपी है वो खाने में टेस्टी तो है ही, हेल्दी भी है, क्योंकि ये हमने गेहूं के आटे से बनाई है। तो ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, बड़ों को भी। आप देखिए मैंने ये जो 3 एंगल का जो बनाया था शेप, उसमें कितने अच्छे से पूरा हमारा जो मसाला ग्रेवी थी कैसे भर गई है, तीनों जो होल थे उनमें। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। आप बनाइए, ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।